और यहाँ से ना मैंने खूब सारी सब्जियाँ भी ले ली है। अब चलते हैं घर। मम्मी है और ये सब्जियाँ भी है, तो मेरे साथ में पायल भी है, तो पायल भी मदद करेगी अब सामान ले जाने में। चलो, मैं बहुत ही रिक्वेस्ट करी चाचा जी से, तो अपना कीमती समय निकाला है चाचा जी। हाँ, ये बात तो है ना। एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे और फिट होंगे एंड फाइन होंगे। तो हम लोग भी एकदम बढ़िया से हैं। अभी दोस्तों दिन के, तो अभी दोस्तों टाइम हो रहा है दिन के 12:30 बज गए हैं और धूप बहुत ही तेज, एकदम भयंकर वाली धूप हो रही है, ये देखिए। तो दोस्तों अभी टाइम हो रहा है दिन के लगभग 12:30 बज गए हैं और लंच टाइम हो गया है, तो अभी लंच भी बनाना है। और उससे पहले ना यहाँ पे जो है मशीन में कपड़े धुल के, ये पति देव ने बाल्टी रख दी, तो पहले जिन कपड़ों को ना यहाँ पूरा फैला देती हूँ। कुछ कपड़े सुबह धोए थे तो वो वहाँ फैलाए हुए हैं। और इस टाइम में ना धूप इतनी भयंकर वाली लग रही है ना, क्या ही बताऊँ, बहुत तेज़ धूप। अब तो ना मतलब ऐसे कपड़े फैलाने के लिए भी धूप में आ रहे हैं ना, तो मतलब बर्दाश्त नहीं हो रही, इतनी तेज़ धूप हो रही है। और अभी को नहलाया था तो अभी अंदर लेटा हुआ है, वहाँ पर गुड्डी उसके साथ हैं और अक्कू भी उसके साथ हैं। तो अभी ना सारे कपड़े फैला दिए हैं इधर और इस साइड भी फैला दिए हैं, तो अब चलते हैं नीचे और लंच की तैयारी करते हैं। और ये देखो यहाँ पे अंदर आपको की मस्ती चल रही है और अभी ना रोए जा रहा है। क्या हुआ अभी को, भूख लगी ना अभी? क्या हुआ, भूख लगी है? भूख लगी आपको? हाँ भूख लगी आपको? भूख लगी है? भूख लग गया? भूख लग गया? चलो अभी गिरे ना दूध लाते हैं। अक्कू ने ना यहाँ पूरी कॉपी कॉपी फैला रखी, अपने कलर्स फैला रखे हैं। ये लड़की बहुत परेशान करती है अपनी मम्मी को, इस लड़की को ना मैं, कोई है तो इसे ले जाओ, उस लड़की को पकड़ के। और यहाँ पे ना देखो भैंस आराम से जुगाड़ लगी हुई है, यानी कि इसका पेट भरा हुआ है और ये आराम कर रही है। और ऊपर से ना अभी यहाँ चिड़िया बैठी हुई है, उन्होंने पत्थर फेंका, मुझे लगा किसने फेंका। तो ये भी ना यहाँ पे घोंसला बनाने के कहीं पे देख रही होंगे अपने लिए जगह कहाँ पर घोंसला बनाए। और मम्मी जी आज यहाँ पे सगोड़े में लगे हुए हैं, फ्रांस बीन बोने में, और इस साइड में जी राई। तो मम्मी ने राई और पालक धनिया की यहाँ पे गुड़ाई कर दी है, बढ़िया हो गया। अब यहाँ पे पानी डालेंगे जब पानी मिलेगा, वैसे तो पानी नहीं मिलता है। और ये देखो मम्मी नींबू भी रखा हुआ है मम्मी ने अपने पास। ये नींबू बोलो मैं चोरी नहीं लाया कुछ, धन्ना गुस्सा। मम्मी कह रही है कि अच्छा मैं चोर के नहीं लेके आई, क्योंकि मैं मेरी चोरी पकड़ी जाती। और इधर जो है सुबह पानी नहीं आ रहा था, तो अभी पानी आया है और इनका गुस्सा भी चढ़ा हुआ है कि मेरे से काम कराती रहती है। सुबह से मैं बैठा नहीं आ रहा कि बैठने का क्या मतलब है, आगे बंद हो गई, बैठना 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 सही नहीं होता है, मैं धूप में काला हो जाऊंगा मैं। अच्छा कौन ही था इसके पास, दे दो ये भर लेके हम पानी। तो अभी ना हम लोगों का लंच बन गया है और टाइम हो गया है ठीक 2 बज गए हैं, तो हम सपना नीचे किचन में आ गए हैं लंच करने के लिए। और आज की थाली भी तैयार हो गई है, इसमें है चावल और ये है पालक का साग, पहाड़ी पालक। तो आज ना मम्मी जी ने सगौड़े से जितना भी पालक था सारा निकाल दिया, तो आज उसी का ही साग बना दिया है। तो ये लास्ट है, इसके बाद जो छोटा छोटा पालक है जब वो होगा तभी खाएंगे। तो अब दे देते हैं मम्मी जी को भी थाली। और आदमी को भी ना नीचे नहीं आए, देखो आदमी यहाँ पे लिटा रखा है, यहाँ से इससे बात करते रहेंगे और खाना भी खाते रहेंगे। तो अभी दोस्तों बच गए हैं 4:00 और दिन का लंच करने के बाद थोड़ा आराम किया और अभी मैं बना रही हूँ यहाँ पे शाम की चाय। तो अभी दोस्तों चाय वगैरह पी लिए हमने और टाइम हो गया है 4:30 हो गए हैं। और ये मैंने पीछे अक्कू के स्कूल का बैग टांग दिया है, क्योंकि अक्कू को मैं ट्यूशन छोड़ने जा रही हूँ और अक्कू को हमने यहाँ पे ट्यूशन लगा दिया है, तो धारे के पास पंचायत भवन है, तो वहीं पे सारे बच्चे ट्यूशन पढ़ रहे हैं। और अक्कू भी बिल्कुल रेडी हो गई है ट्यूशन जाने के लिए, है ना अक्कू? और धूप निकल गई है बिल्कुल सामने पहाड़ों पे, तो यहाँ से सनसेट हो चुका है और सामने पहाड़ों पे धूप निकल गई है। तो अब चलते हैं अक्कू को ट्यूशन छोड़ने के लिए। चलो थोड़ी मैं भी चल, वो कब्रे बच्चा बल पढ़ लगी।
ये ना मां बाथरूम में द्वार फट फट खोल खोल गए बंद करा वो बाथरूम में द्वार फट फोड़ दूं मैंने बोली इन खोल हो ना चलो कुछ हवा चल रही है इतनी भयंकर वाली कि अगर मैं बोल भी रही हूँ शायद मेरी आवाज़ भी क्लियर नहीं आ रही होगी है ना, क्योंकि तेज भयंकर धूप वो चल रही है हवा। और ये टाइम होता है दिन के 12 एक बजे के बाद ना हवा चलनी शुरू हो जाती है। तो अभी हम पहुँच गए हैं अपने धारे पे और यहीं से ऊपर है पंचायत भवन, तो वहाँ चलेंगे। चल जी नमस्ते। नमस्ते जी, और ठीक है? हाँ, बालक ठीक है तुम्हारा? नमस्ते नमस्ते। हाँ ठीक ठाक। हाँ बालक भी ठीक है। खूब भव्य। हाँ, और ये देखो हमारे धारे पे यहाँ पे सब्जी मंडी भी लग गई है, तो यहाँ पे फल सब्जियाँ रखी हैं ताजी ताजी, और अब घर के लिए यहाँ से सब्जी भी लेनी पड़ेगी और फल भी। और ये हमारे भैया सब्जी वाले भैया है, बहुत दिनों बाद तुम मोड़ी करी। हाँ बहुत दिनों बाद। भैया ना हर हफ्ते लगाते हैं यहाँ पे, और मुझे लग रहा है शायद इस बारी एक दो हफ्ते का शायद गैप हो गया। चलो बच्चे क्या ने ट्यूशन पढ़ने डाउन में विक्रम से चम गया। हाँ हाँ और यहाँ पे रास्ता भी ना बहुत ही छोटा सा रास्ता है, इसकी चौड़ाई बहुत ही कम है, इसीलिए ना यहाँ पर ये लगी हुई है रेलिंग से, ताकि थोड़ा सा डर हो, डर ना होगी, वरना यहाँ पे बच्चों का गिरने का काफ़ी डर है। चलो यहाँ है आपका ट्यूशन, ठीक है? हाँ ठीक है, कह देंगे। तो यहाँ देखो यहाँ है पंचायत भवन और यहाँ पे पढ़ रहे हैं बच्चे सभी। चलो ओके भी नहीं चलते। ये देखो सारे बच्चे आ गए, आपको लेट हो गई है ना, ये देखो। चलो बैठो। तो पहुंच गई हूँ मैं आपको यहाँ पे ट्यूशन लेके, और यहाँ पे चाचा जी ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, तो उनसे भी मिलाते हैं आपको। चलो हे बच्चों, चलो नमस्ते। तो ये हमारे चाचा जी आज से बच्चों को ट्यूशन देंगे, है ना। तो सबसे पहले चाचा जी का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि इतना कीमती समय बच्चों को दे रहे हैं, मतलब बहुत ही रिक्वेस्ट करी चाचा जी से, तो अपना कीमती समय निकाला है चाचा जी। हाँ ये बात तो है, है ना। तो चाचा जी के पास थोड़ा सा टाइम का थोड़ा सी कमी है टाइम की, तो फिर भी उन्होंने बच्चों के लिए टाइम निकाला, तो अच्छा लगा। तो अभी ना आपको ट्यूशन छोड़ दिया है और अब मैं चलती हूँ घर। और आजकल ये देखो ये है फ्योली का फूल, तो इस फूल का नाम है फ्योली, और आजकल ना ये आपको हर जगह देखने को मिलेंगे, तो क्योंकि बसंत ऋतु शुरू होने ही वाली है, तो ये फूल ना हर जगह मिलेंगे आपको। और ये देखो ये है पिंक कलर के, ये वाइट, और ये भी पिंक, और ये येलो कलर, तो ऐसे रंग बिरंगे फूल मिलेंगे आपको हर जगह। यहाँ पे तो थोड़े कम है, कहीं कहीं तो ऐसे रहते हैं कि बिल्कुल पूरे में फैले हुए रहते हैं। तो चलते हैं, और अब मैं आऊँगी अक्कू को थोड़ी देर में लेने के लिए। अक्कू के पापा घर में नहीं है, वरना वही आ जाते उसे लेने के लिए, तो मुझे ही आना पड़ेगा। तो देखा मैं ना घर पहुँच गई हूँ, और ना जैसे ही मैं अपने चौक तक पहुंची, तो भैंस मुझे देखे ना बस माँ 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 ऐसा करने लग गया। तो अभी तो घर पहुंची और अभी दोबारा जाना पड़ेगा। यहाँ बैठे हैं और अभी वहां सो गया गुड्डी के पास, और मम्मी यहाँ बैठे हुए हैं इंतजार कर रहे हैं, और मेरा ना इंतजार कर रहे हैं कि मैं कब घर आऊंगी, और उसके बाद एक मम्मी ना घास लेने जाएंगी, क्योंकि अभी अगर ज्यादा रोएगा तो फिर गुड्डी क्या करेगी, तो मेरा इंतजार हो रहा था यहाँ पे।
अभी ना घर से फिर से दोबारा जा रही हूँ मैं अक्कू को ट्यूशन लेने के लिए, क्योंकि अभी टाइम हो गया है 5:30 हो गए हैं और एक उन्होंने कहा था कि 5:30 बजे छुट्टी हो जाएगी, तो जाते जाते तो मुझे काफ़ी टाइम लग जाएगा वहाँ तक जाने में, क्योंकि काफ़ी दूर भी है वहाँ से धारे तक जाना। तो चलते हैं और अक्कू को ट्यूशन से घर लेकर आते हैं। और धूप देखो बिल्कुल थोड़ी सी रह गई है, थोड़ी देर में बिल्कुल धूप निकल जाएगी। तो अभी ना अक्कू की ट्यूशन से छुट्टी भी हो गई है और यहाँ से ना मैंने खूब सारी सब्जियाँ भी ले ली है। अब चलते हैं घर। बाबू कह रहे थे सर, ठीक है। तो अक्कू का बैग भी है और ये सब्जियाँ भी है, तो मेरे साथ में पायल भी है, तो पायल भी मदद करेगी अब सामान ले जाने में। चलो पायल ले, पकड़ भी ले, बड़ी पानी में मिला और ये भी है। और यहाँ पे ना सब सब्जियाँ लेने लगे हुए हैं, पलक पायल भी ले रहे हैं, सब्जी ले रही हमने। चलो चलो चलो, अक्कू के पास क्या है ये मेरा। दीदी को दे दे, ले जा नहीं पाएगी तू। तो अभी हम लोग ना घर पहुंच गए हैं और टाइम हो गया है 6 बज गए हैं, ठीक। और ये देखिए सब बिल्कुल धूप निकल गई है, तो अब मैं करूंगी खाने की तैयारी शाम की और मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। तो अभी दोस्तों टाइम हो गया है, लगभग शाम के बज गए हैं 8:30 और हम लोग ना खाना वगैरह खाकर आ गए हैं ऊपर। ये देखो आद्विक ना अक्कू को देख रहा है यहाँ पे, क्योंकि अक्कू यहाँ पे अपने ट्यूशन का होमवर्क कर रही है और आद्विक ना उसी को देखने में लगा हुआ है यहाँ से। और आज ये दोनों भाइयों के ना कपड़े भी सेम हो रहे हैं, है ना। और मेरे इसमें ये बन रखा है ऐसे और ऐसे और ऐसे, पर इसके ऐसे के ऐसे बन रखा है ऐसे। ऊपर कलर तो सेम ही है, कलर दोनों का सेम हो रहा है ना। चलो तो आज की इस वीडियो को भी दोस्तों यहीं पे ही एंड करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, है ना। क्यों क्या करें, सब्सक्राइब, बाय कर दो सबको, बाय बाय कर दो सबको, गुड नाइट, गुड नाइट भी बोलो सबको, गुड नाइट। आद्विक आप भी करो बाय बाय, आद्विक का ध्यान पूरा वही है आपकी कॉपियों में। बाय आदु आदु बाय बाय करो, ऐसे करो बाय। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे जल्दी ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप खुश रहिए, मस्त रहिए और अपना ध्यान रखिए। शुभ रात्रि, बाय बाय।